लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज मिहिर जोशी और आप वापस आ चुके हैं ऑन द एमजे शो। मैं वापस आ चुके हैं कह रहा हूं बिकॉज लिटरली 30 सेकंड हुए होंगे या शायद एक मिनट हुआ होगा। वी हर्ड द एब्सोल्युटली फैबुलस प्रतिभा सिंह राइट नाउ। और अगर आपने वो एपिसोड मिस किया हो, भाई मेरे बालों का क्या हाल हो चुका है, अगर आपने ये एपिसोड मिस किया हो तो डोंट वरी, आप IGTV पे भी देख सकते हो और कल आप देख सकोगे ऑन द YouTube चैनल ऑफ द MJ शो। भाई YouTube की अगर बात करें तो हमारे भाई क्या नाम है इनका, दिव्य कुमार, जो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दिव्य कुमार ने उनका नया गाना रिलीज किया है, दिव्य कुमार से बातें करनी है। गाने का नाम है, वेल एक्चुअली मैं आई एम गोना गेट दिव्य कुमार टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। तो आई बिलीव ही इज नाउ विथ अस। आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एक मिनट, लेट मी ड्रॉप हिम अ मैसेज। आ जाओ असली दिव्य कुमार। एंड स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट दिव्य कुमार एंड प्रतिभा सिंह बोथ वर ऑन द सेम रियलिटी शो एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट, व्हेन डिड शी से इट वाज, 2008, यानी 11-12 साल पहले हो चुका है। तो भाई इट बी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू हिम अबाउट हिज एक्सपीरियंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। बट ऑफकोर्स दिव्य कुमार हैज बीन ऑन द शो a couple of times before, so you can see his origin story, as I always say, जो पहली बार कोई आता है मेरे शो पे तो मैं उनके शुरुआत कैसे हुई थी ये सब मैं बोलता हूं। तो ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगा तो उस पुराने एपिसोड का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप उनकी जो ओरिजिन स्टोरी है यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर। बातें होंगी नए गाने के बारे में जिसके बारे में अभी बात करने आ रहे हैं दिव्य कुमार। hey भाई कैसे हो? How are you, MJ? आई एम वेरी गुड माई फ्रेंड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देख के और ये मालूम करके कि पिछले बार जब हम मिले थे फेसबुक के स्टूडियो में और मैंने पूछा था तुम्हारे ओरिजिनल गाने कब आने वाले, तुमने कहा जल्द ही होने वाला है, तो ये देखो जल्द हो ही गया। अबाउट योर सॉन्ग, यस सर, यस। सो ये लास्ट टाइम मैंने आप ही के शो पे बोला था, तो मैं ऑलरेडी इसके पहले बहुत बार बोल चुका था, लेकिन आपके शो पे बोलने के बाद में Finally, मैं इसका कम से कम ऑडियो लोगों तक पहुंचा पाया हूं, एंड दिस इज बीन लॉन्ग वेट। बहुत साल पहले ये गाना बाहर, मतलब हम लोग रेडी करके बैठे थे, पर फाइनली ये आप लोगों के पास है सामने, एंड ये अब आपकी प्रॉपर्टी है। तो बाय द वे बिफोर आई आस्क हिम अबाउट द सॉन्ग की गाना किस बारे में है, गाने के बारे में थोड़ा बताया और गाना गा के दिखाया, लेट मी शो यू समथिंग। आई एम फ्लिपिंग द स्क्रीन, दैट इज दिव्य कुमार इंस्टाग्राम हैंडल जहां पे गाना रिलीज हो चुका है। गाने का नाम है बन्ना, जाके जरूर देखो। मैंने देखो दूसरी बार गाना शुरू किया था इसीलिए थोड़ा सा वो लाल हो चुका है, पर मैंने देखा है और देखो सब्सक्राइब भी किया है मैंने उसके चैनल को। तो अभी तुम लोग भी जाके दिव्य कुमार के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करो बिकॉज ही इज गॉट गाना है, इसके बाद और भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं। तो अगर मालूम करना है कब आने वाला नया गाना तो जाके अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई अभी पहले ये बताओ व्हाट इज दिस सॉन्ग अबाउट एंड इसके मेकिंग के बारे में, इसके पीछे की जो कहानी है इसके बारे में थोड़े बताओ हमें। सर मेकिंग ऐसा है कि आपको पता है कि वी बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली, सो मेरे घर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत सारे लोग गाते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो ऐसे ही मेरा एक छोटा भाई है, कजिन है मेरा, जिसने ये गाना बनाया था, एंड मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि यश ने एक बहुत अच्छा गाना बनाया है, एंड वो गाना जब मैंने सुना तो मुझे एकदम पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि मेरा सबसे पहला इंडिपेंडेंट अगर गाना कोई होगा तो यही होगा, क्योंकि वो इंस्टेंट मुझे इतना पसंद आ गया था। एंड उसके लिरिक्स भी मेरे ब्रदर इन लॉ ने लिखे हैं, ही इज ऑल्सो कॉपी राइटर इन रेडियो सिटी। तो बहुत ही अच्छा एक मर्ज था, बहुत ही अच्छा एक कोलैबोरेशन था दोनों म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट के बीच में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपनी आवाज देकर इसको मेरा पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग बनाऊं। एंड एज यू नो कि माय रूट्स बिलोंग टू राजस्थान, एंड माय ग्रैंडफादर पंडित शिवराम जी जिन्होंने म्यूजिक शुरू किया हमारे खानदान में, मैं उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पर और हमारे लैंड ऑफ राजस्थान, तो पीपल ऑफ राजस्थान, उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से ये देने की कोशिश की है थ्रू माय फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट सॉन्ग। सो इसकी मेकिंग सर ऐसे ही है, घर वाले मिलके सब ने मिलके बनाया है, माय डैड हैज प्लेड ढोलक इन दिस, एंड मतलब ये बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए बात है कि जो इतने सालों तक इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस एक ए लिस्ट म्यूजिशियन की तरह उन्होंने 45 ईयर्स अपने दिए हैं म्यूजिक इंडस्ट्री को, उन्होंने मेरे गाने में भी बजाया,
सो दैट्स रियली अ ब्लेसिंग। और ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरे भाई मेरे जुड़े हैं जिन्होंने म्यूजिक प्रोग्राम किया है। आकाश डेजिया एक है, हर्षित चौहान एक है जो कंपोजर भी है, उन्होंने ये गाना अरेंज भी किया था। सो ऐसे मिल बांट के सबने मेहनत की और मस्ती मस्ती में ये गाना बना और आज ये आपके सामने। और रिकॉर्डिंग कब हो चुका था, ये लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के दौरान किया? हाँ जी, लॉकडाउन के बहुत पहले हो गया था ये गाना रिकॉर्ड, फाइनल हो गया था आई थिंक 2018 एंड में। और 2018? यस, उसके और पहले यानी एक स्क्रैच साल भी के लिए रुका के रखा था? यस दो कुछ हम लोग सोच रहे थे इसको बड़े तरीके से शूट करने के लिए। यू नो इट हैज अ स्टोरी इन इट, अभी आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी बट इट हैज अ स्टोरी। और ये स्टोरी बिल्ड करते करते ही हमने गाने को ऐसे डिजाइन किया था और वो हम लोग उसको शूट करने का हम लोग सोच रहे थे बट यू नो सब कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई। और फाइनली लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में मैंने सोचा कि कम से कम इसका ऑडियो लोगों तक पहुंचाया जाए जिसके थ्रू कम से कम लोग गाना सुन पाए एंड अगर ये गाना लोगों को पसंद आएगा एंड इफ इफ दे लाइक इट तो हम लोग आगे वो वीडियो बनाने की हिम्मत भी है ही। एंड तो अभी यही प्लान है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम इसके वीडियो के ऊपर काम करेंगे और जो स्टोरी हम गाने के जरिए बताना चाह रहे हैं तो वो लोगों तक पहुंचाना। तो थोड़ा सुना दो हम सबको यार, लेट्स गेट अ टेस्ट ऑफ द सॉन्ग राइट नाउ। और जैसे मैंने लोगों को कहा है, बाय द वे ये देखो मैं पीछे इसका, एनीवे इट्स अ ग्राफिक सॉन्ग, तो मैं आपके लिए जब दिव्य कुमार गाना शुरू करेगा तो मैं आपको उसका ग्राफिक पीछे दिखा दूंगा, तो लेट्स हियर इट। ओ कबर देख्या भवर देख्या, आयो नहीं कोई मन मा, ओ थाने उड़ीकू बाट देखूं, तू ही बसे है मन मा, ओ मैं बिन जारन थारे दरसरी, मन मोरा मोलिना, ओ बन्ना जयपुर वाला, ओ बन्ना नखराड़ा, ओ बन्ना चल छबीला, ओ बन्ना हमारा सांवरा। वाह, दैट दैट्स इज द फैंटास्टिक। एंड गाने का नाम है बन्ना। क्या शानदार ग्राफिक्स भी बनाए हैं यार, जिस किसने किए हैं ये ग्राफिक्स? बहुत ही सुंदर बनाया तुम्हारे लिए। ये भी हमारे दोस्त हैं, यार दोस्त हैं जो यश जिसने कंपोज किए हैं उसके फ्रेंड्स हैं। रिपल इफेक्ट उनकी प्रोडक्शन का नाम है जो बहुत अच्छा शूट करते हैं। और मैंने उनको उनके साथ बैठ के हमने पहले वीडियो के बारे में डिस्कस किया था, स्क्रिप्ट बनाई थी इसके बारे में, लिखा था सब कुछ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक एक अच्छा एक ग्राफिक बनाया जाए जिससे यू नो लोगों को थोड़ा सा गाने का यू नो एक हैंग रहे कि किस बारे में है गाना, थोड़ा सा राजस्थानी एलिमेंट हो। तो वैसे हमने डिस्कस किया और ये उन्होंने बहुत ही अच्छा एक आर्टवर्क बनाया तो एक एंड इंटरेस्टिंग सी बात तुमको कहूंगा, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, कि ये इतना शानदार ग्राफिक है कि तुम्हारे लिए भी मर्चेंडाइज रेडी हो गया है। मालूम है, अभी तुम जब जहां पे परफॉर्म करोगे वहां पे टी शर्ट दे दो, जहां पे ये बन्ना का ग्राफिक हो, या कोई मग्स दे दो, ये देखो अभी यहाँ पे यश C373 करके जो है, उन्होंने ऑलरेडी उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर आपका ये फोटो ले लिया है। वो कंपोजर है सर, वही कंपोजर है। अच्छा वही कब, क्या बात है। यश से शुरुआत आप भी कर दो, अगर आपको गाना अच्छा लगा हो तो। ये बहुत ही सुंदर सा जो ग्राफिक है आपका, भी थोड़े दिनों के लिए प्रोफाइल पिक्चर बना दो, इसमें एक्सपेक्टिव जो है राइटर प्यारा सा। अविनाश अविनाश राइटर भी आए हैं वो जिन्होंने ये लिरिक्स लिखे हैं। और उनके बारे में भी मैं बताऊं कि बहुत ही कमाल का टैलेंट उनके अंदर है जो मतलब जो फास्टेस्ट राइटिंग, अगर बोले कि आपको सिचुएशन दे दो उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी है, वन लाइनर लिखना है या गाना लिखना है या किसी को गालियां देनी है, तो वो भी मतलब 10 मिनट के अंदर उनके पास एक आइडिया तैयार रहता है। सो बहुत ही कमाल का टैलेंट है उनके अंदर। एंड वैसे ही हमने बहुत सारे गाने बनाए हैं, इन्होंने यश और अविनाश ने बहुत सारे गाने बनाए जिसमें से चुन चुन कर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने बनना के बाद में हम लोग एक एक गाना आपके सामने पेश करें। और बस यही है कि मैं सोच रहा था, जो हमने बहुत टाइम से सोच रखा था इंडिपेंडेंट म्यूजिक में कुछ करना है। एंड आई नो आपने भी बहुत सालों पहले अपना एक बैंड था आपका और आपने भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक में बहुत कमाल किया था। यस दैट्स द एल्बम मुंबई मुंबई ब्लूज, और ब्लूज, ने बहुत तहलका मचाया था। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं
बिकॉज बॉलीवुड में आपने नाम कर लिया एंड यू नो इंडिपेंडेंट म्यूजिक में मैंने एज ए स्क्रैच शुरू किया है, तो मेरे लिए वापस एक नई जर्नी, बिकॉज आप देखेंगे कि अभी यूट्यूब चैनल पे कुछ ही दिनों में 2000 सब्सक्राइबर्स मेरे हुए, जो पहले एकदम नहीं था, मतलब वहाँ पर कंटेंट ही नहीं, एक पेज बना के रखा था बस। एंड तो ये देख के अच्छा लगता है जब आप ये यू नो एक दो दिन के अंदर इतने सारे लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको कमेंट दे रहे हैं अच्छे अच्छे तो एक आपके अंदर एक और जोश भरता है कि आप कुछ और करें इनके लिए, और नए गाने बनाएं और कुछ म्यूजिक इनके लाइन आए। सो मैं यही थैंक यू बोलना चाहूंगा जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने भी ये गाना पसंद किया है और अच्छे कमेंट्स दिए हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मेरे अंदर अब और पावर आ गई कि मैं और अच्छे गाने आपके लिए लेकर आऊँ। सो बाय द वे, आप सब लोग जो यहाँ पे हो, आप तो YouTube पे जाके देख ही सकते हो, पर आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे Instagram पे भी एक स्वाइप अप लिंक दे दूंगा, सो दैट यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो, और जब गाना देखोगे तब याद करके सब्सक्राइब करना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट ओवर द लास्ट फ्यू डेज, की हम सब जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स है, वेदर इट्स अ सिंगर, वेदर इट्स अ स्टैंड अप कॉमिक, वेदर इट्स एन एक्टर, वेदर इट्स अ टॉक शो होस्ट लाइक मी, हम लोग काफी प्यार से और मेहनत से कुछ करते हैं आपके लिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो भाई बस देख के चले मत जाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बस आपके दोस्तों यही तक शेयर इम्पोर्टेंस करना। भाई, यही इम्पोर्टेंस आज मुझे पता चल रही है। इतने सारे लोग, मैं कंटेंटर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देखता था, सब्सक्राइब करिए ये करिए, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट क्रिएटर के लिए कि लोग उसके चैनल पे आके वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर वो सब्सक्राइब कर देते हैं तो यू नो वही है कि उनकी मेहनत रंग लाती है। एक तरीके से ये होता है कि आपका एक ऑडियंस बना है और आपको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड मैं भी यही चाहूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड एमजे को तो ऑब्वियसली सब लोग जानते ही हैं, मैं भी नया नया इस इंडिपेंडेंट म्यूजिक में घुसा हूँ, सो आई जस्ट वॉन्ट कि जितना प्यार बॉलीवुड में मुझे मिला है उतना ही इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी मिले, और वैसा ही कंटेंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कहीं पे भी वो ना हो कि यार ये गलत हो गया, वो तो हम बोल नहीं सकते क्या गलत है क्या सही, बट कोशिश हमेशा ये रहेगी कि सबसे बेस्ट जो है वो आपके सामने रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, बिफोर वी मूव टू एनीथिंग एल्स, इस गाने का अर्थ, इसका मतलब थोड़ा सा लोगों को समझा दो, उसकी जो कहानी है, व्हाट इज द सॉन्ग अबाउट, बनना किसके बारे में है ये गाना, किसके बारे में है? सर आपकी आवाज मुझे तभी नहीं आ रही है, मैं एक बार रिकनेक्ट करें, एक रिकनेक्ट करते, सेकेंड। कैन यू हियर मी? नो आई कांट हियर बिकॉज मेरे को वन कॉल मिनट, आ गया था, तुम इसके लिए अभी वो वॉइस वॉल्यूम चला गया। मैं रिकनेक्ट कराता हूँ, रुको एक मिनट। सो लेट अस ब्रिंग दिव्य कुमार बैक ऑन एंड होपफुली अभी सुनाई देगा, उसे मेरी आवाज। कैन यू हियर मी नाउ? नाउ ऑसम। नाउ इट्स मैं कह रहा था कि सबको एक बार बनना गाना जो है इसका थोड़ा मतलब समझा दो, बिकॉज इट्स नॉट इंस्टेंटली यू नो, आई थिंक कि कौन से भाषा में यू संग इट इन? इट्स ए राजस्थानी हिंदी सॉन्ग, और राजस्थानी वर्ड्स भी ऐसे हैं जो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जो मुश्किल नॉर्मली नहीं हम लोग है। बात वो कुछ कुछ वर्ड्स को समझ में आता है। एंड बनना एज यू नो के इट्स अ वे ऑफ यू नो एड्रेसिंग अ बॉय, चाहे वो दूल्हा हो या कोई बड़ा राजा हो, उसको गांव की प्रजा बोलती है बन्ना सा या बन्नी सा, तो दूल्हा दुल्हन को भी बोलते हैं, जो गांव के बड़े राजा महाराजा तो उनको भी बोलते हैं, तो एक रिस्पेक्टफुल एक रिस्पेक्ट वाला एक जेस्चर है, यू कॉल इट अ बन्ना। तो वो लड़की अपने प्रेमी को भी बोल सकती है एंड यू नो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोल सकता है बन्नी। सो ऐसे बहुत बड़ा फेमस फोक गाना था बन्ना रे भागा में झूला गाले, सो वो बन्ना वही वर्ड है, और उसको अलग तरीके से इसलिए किया है कि उसकी एक स्टोरी है जो जब वीडियो बनेगा तब आपको पता चलेगा। तो ये गाने में यही कह रहा है कि मैंने दुनिया भर के प्रिंस चार्ल्स देख लिए, मैंने शाहरुख देख लिया, मैंने फलाना देख लिया, मैंने ये देख लिया, पर तेरे जैसा कोई नहीं है। सो बन्ना जयपुर वाला, बन्ना चहल से बोला मारा सावरा, मतलब मेरे सावरिया जिसको बोलते हैं, तो वो लड़की एक अपनी दिल की बात लड़के के बारे में बोल रही है कि मैंने जब से तेरे को देखा है तो मुझे आपके अलावा और कोई समझ में नहीं आ रहा है।
That's ब्यूटिफुल, लवली। तो यार मैंने तुमको पहले भी कहा था व्हेन वी मेट लास्ट टाइम कि व्हेन आई हैव सीन यू परफॉर्म लाइव एज वेल, व्हेन यू गो इनटू दीज नॉन फिल्मी सॉन्ग्स, व्हेन यू सिंग, आई थिंक तुम पूरी तरह यू 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 ब्लॉसम इवन मोर ऑन स्टेज एंड द ऑडियंस रियली कनेक्ट्स विद यू, स्पेशली इन राजस्थानी गानों पे या तुम्हारे सूफी गानों पे बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। तो अभी जो अगला गाना करने वाले वो भी ऐसे इसी स्पेस में रखने वाले हो? आई डोंट नो, मतलब अभी इतना स्पेसिफिक लैंग्वेज वाइज नहीं है. इट्स जस्ट कि कौन सा गाना आपको क्लिक कर जाता है, कौन सा गाना आपको लगता है कि यू नो दैट्स अ सोशल मैसेज, या एक फिलोसॉफिकल गाना, या एक यू नो आई वुड वांट टू डू मोर लैंग्वेजेस, पंजाबी, गुजराती ऑल्सो, बिकॉज गुजराती में भी मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं थैंक्स टू सचिन जिगर. और मैं करना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सोच समझ के करेंगे कि ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको अब रीजन शुरू किया तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. हो सकता है अगला गाना कव्वाली हो, अगला गाना सूफी हो, अगला गाना फिलोसॉफिकल हो, कुछ भी हो सकता है. जस्ट के जो गाना हमको लगे कि 100% हाँ, हम लोग श्योर हैं इसके ऊपर. और मेन मेरा फोकस कोलेबरेशन पे रहेगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज ऑल अबाउट कोलेबरेशन. अगर आप देखें कोक स्टूडियो और जो भी आपने ये चीजें देखी है, जितने कोलैबोरेशन हुए हैं वो गाने मतलब बहुत खिल के आते हैं. तो मुझे लगता है कि जितने मेरे फेलो आर्टिस्ट हैं उनके साथ में एक एक गाना यू नो कोलैबोरेशन करूंगा, और बीच बीच में एक मेरा सोलो भी मैं करता रहूंगा. बट आई एम लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन विद माई फेलो आर्टिस्ट, और क्या आई बात होप है। अग्री करेंगे. तो एक 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 विश लिस्ट अभी दुनिया में डाल देते हैं, इफ यू हैड टू पिक थ्री आर्टिस्ट टू बिगिन विद। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे फेवरेट है, बट मैं कह रहा हूं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ फिटिंग इन टू योर काइंड ऑफ म्यूजिक, अगर तीन आर्टिस्ट है जिनके नाम लेने हो, जिनके साथ तुम एक कोलेबोरेशन करना चाहोगे जल्द ही, तो वो कौन तीन होंगे? अगर सिंगर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह, ने एक बार बात भी की थी इसके बारे में, बट आई थिंक उसमें काम होने में टाइम है. एंड देयर इज वन सॉन्ग व्हिच आई वांट टू डू विद रेखा जी, रेखा भारद्वाज जी, एंड आल्सो नूरा सिस्टर्स के साथ में एक गाना मेरे को करने की बहुत ख्वाहिश. सो आई डोंट नो, देयर लिस्ट बहुत लंबी है. मैं बहुत सारे सिंगर्स मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मुझे गाने का मतलब मेरे अंदर एक कीड़ा बसा हुआ है कि मेरे को इनके साथ कुछ करना है इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक. सो यस, और बाकी तो जो मुझे बुलाएगा मैं भाग के चला जाऊंगा, और मैं वही चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को अप्रोच करूँ तो वो भी यू नो ये यही है कि म्यूजिक में जितना मिल बांट के एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चलेंगे उतना यू नो लोगों को मजा आएगा. मतलब हमारा बिल्कुल फायदा तो उनकी बात है, लोगों का बहुत फायदा होगा कि एक ही साथ में आपको इतने सारे आर्टिस्ट देखने को मिले. फैंटास्टिक। बाय द वे आंचल हाय, एंड एवरीबॉडी एल्स हु हैज जॉइंड अस राइट नाउ, सबको मैं हाय कहना चाहूंगा। करण है, फिर कमलेश है, शीतल है, टीना, कुश ऑन ड्रम्स, विकी, रेखा, पुष्कर, ना That's my mom. और अच्छा मां, ओके भाई, आधे बहुत से लंबा ज्यादा सा घर गाना वाले था। दोस्त ही हैं सारे, पर हाँ यस बहुत सारे दोस्त नमस्कार आंटी जी, कैसे हो आप? मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ पे हो, देख रहे हो आपके बेटे को। सो ये मैं हर कह, लाइव देखते हैं रोज सुबह उठ के, जितना भी मेरा लाइव होता है वो लोग बैठ के देखते हैं. क्या बात है। और यस नहीं तो मैं कह रहा था कि यार बिफोर वी मूव अहेड, अब थोड़े ही दिनों पहले प्रिया सरैया अभी शो पे आई थी, शी वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल द अमेजिंग वर्क दैट सचिन जिगर आर डूइंग विद गुजराती म्यूजिक एंड ब्रिंगिंग ओल्ड गुजराती फोक म्यूजिक ऑल्सो बैक इन टू द मेन स्ट्रीम थ्रू देर रिक्रिएशन, थ्रू देर वर्जन ऑफ दो सॉन्ग। तो यार तुमने अभी गुजराती की बात की है, तो यू नो बिफोर वी गो इन टू एनीथिंग एल्स, कुछ सुना दो जो उनके साथ किया है तुमने गुजराती में। बिल्कुल, गुजराती में मैंने उनके साथ पे बहुत कमाल के गाने किए हैं. एंड द वन सॉन्ग विच पीपल रियली लव्ड इज गोरी राधा. सो मैं आपके वो गाना सुनाता हूँ. प्लीज गोरी राधा ने काड़ो का गर्भे घूमे भूली बा, गोरी गोरी राधा ने काड़ो का गर्भे घूमे भूली बा, राधा नो रूप छे कानोड़ा ने प्रीत छे जगनी रीत नु शुका, राधा नो रूप छे तो कानोड़ा ने प्रीत छे आँखों मांडी ने जुए गा,
गोरी राधा निकाड़ो का गरबे घूमे भोली ना। बहुत ही सुंदर। अभी मैं गा रहा था एंड आई सी शीतल भाभी सचिन वाइफ, उन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है। हाय भाभी, सबसे पहले नमस्ते और थैंक यू फॉर लाइकिंग बन्ना। एंड उन्होंने प्रीत गाना रिक्वेस्ट किया है जो मेरे और प्रिया ने डुएट गाया था, बट क्या बात है, सुनाओ। वो मुझे अभी एकदम से याद नहीं है। बट यस, आई एम श्योर कि मैं एक दिन प्रिया और मैं दोनों मिलके इसका एक कवर वर्जन करेंगे आगे जाके एंड आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। That would be great, man. यार प्रिया की बात करें तो यार बहुत एक हार्ट ब्रेक वाला थिंग हो गया मेरे साथ। ये इंस्टाग्राम ने अपने आप से एक नया रूल बना दिया कि पहले कैसे लाइव वो ऊपर अपने आइकन पे रहता था और फिर आजकल आईजीटीवी पे आने लगा है। तो जिस दिन मैंने प्रिया के साथ एक लंबा 1 घंटे का इंटरव्यू किया, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, अच्छी कहानियां बताई उसने, और मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा चेंज हो गया है। और मैं सेव करने को जा रहा था, ढूंढ रहा था क्या करना है, और इंस्टाग्राम हैंग हो गया। तो वो एक एपिसोड है इस पूरे 30 मार्च से लेके अब तक का, वो एक ही एपिसोड है जो सेव नहीं कर पाया मैं। और इतना बुरा लगा मुझे, इतना बुरा लगा। तो मैंने प्रिया को प्रॉमिस किया था कि उसको वापस ले आऊंगा, वापस बातें करेंगे, बिल्कुल, उसको उस के बारे में जरूर बोलूंगा और कहूंगा कि यार कभी अगर मौका मिले तो तुम लोग दोनों को अभी ऐसे साइड बाय साइड बैठ के भी एक बार उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो गवाऊंगा मैं वो गाना। एनी बट टाइम एनी टाइम। लेट्स टॉक अबाउट द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू लव परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एज वेल। जैसे मैंने कहा, योर सूफी म्यूजिक, योर कव्वालीज, मुझे बताओ हाउ डिड यू गेट इन टू दैट म्यूजिक? इसकी शुरुआत कहाँ से, किससे सुना, कहाँ पे एक्सपीरियंस किया पहले? While I was growing up, like हम सब 90s के बच्चे हैं, as you know, बॉलीवुड में सूफी म्यूजिक, कवाली म्यूजिक ये बहुत लेटर ऑन आया था। कवाली तो था ही, बट बहुत ही कमर्शलाइजेशन वाली कवाली होती थी। बट एक्चुअली मैं सूफी म्यूजिक जब बॉलीवुड में आया, जब नुसरत साहब, यू नो, ही गॉट इनटू द इंडस्ट्री, और उन्होंने जितना सूफी और कवाली को वर्ल्ड वाइड फेमस किया, शायद ही कोई आर्टिस्ट ऐसा है। बिकॉज वो मुझे, मेरे जब बचपन में, मुझे याद है कि मैं उनको देख के बड़ा एक्साइट होता था। और उनकी लाइफ के बारे में एक वीडियो कैसेट मेरे डैड ने मुझे दिखाई थी बचपन में, जो जो मैं देख के मैं हमेशा, यू नो, अमेज रहता था कि कैसे, यू नो, इस आदमी ने कैसे कैसे गाते हैं और कितनी, मतलब एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज हारमोनियम के लास्ट ऑक्टेव का नोट भी अगर वो लगाते थे तो वो आवाज आपको कानों में चुभती नहीं थी। वो ऐसी लगती थी कि बहुत एफर्टलेसली वो गा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो ऊपर चिल्ला के गाना, मतलब गाना समझते हैं मेरे हिसाब से, जो नुसरत साहब गाते थे उनको चिल्लाना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रूह से गाना। और उन्हीं का गाना है जो मुझे लगता था कि कभी भी मुझे कानों में हार्श नहीं लगा, इतना ऊपर गाते थे वो। और ऐसी एक फिल्म कच्चे धागे में कव्वाली थी जिसमें उन्होंने एक बहुत खतरनाक कव्वाली बनाई थी और बहुत गाया था खतरनाक उसको। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि जितना भी मैं ऊपर गाऊँ, जो हाईएस्ट नोट आप टच कर दो उसमें चिल्लाना कम, और यू नो इसमें एक फील ज्यादा हो कि खाली चिल्लाने के लिए। ऐसे बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम रिकॉर्डिंग में जाते हैं और लोग बोलते हैं सर वो जी करदा वाला जो नोट है और जी करदा वाला जो हाई नोट है और वो वाले गाने का हाई नोट है। तो मैंने बोला हर गाने की अपनी एक स्केल है, अपनी एक कंपोजिशन है, उसमें आप किस तरीके से फील में गाते हो। आपने जस्ट जी करदा का नोट लगाने के लिए ऊपर गाना बनाया तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, और वैसा वापस वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी स्केल बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है और वो गाते हुए लगता है कि ये चिल्लाना ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग उसको वापस नीचे करके, यू नो, वी ब्रिंग इट टू अ स्केल जहाँ पे वो ज्यादा सूदिंग लगे, ना कि चिल्लाना लगे। तो मुझे सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे लिए नुसरत साहब ही थे, जिनको मैंने इतना फॉलो नहीं किया, मैंने जितना सुना उनका उतना मेरे दिल को, मतलब वो टच कर गया है। बचपन से मेरी आवाज भी वैसी, यू नो, रस्टिक थी, और बचपन में लोगों को लगता था कि आवाज खराब है, यू नो, खराश है या क्या है। बट आज सबसे बड़ा एसेट मेरी आवाज है मेरी, क्योंकि वो आवाज जो 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 ग्रेन्स हैं वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है, तो मेरे लिए वो ब्लेसिंग है। एंड जैसा आपने बोला कि इम्पैक्ट जिसका पड़ा, उसके बाद में बहुत सारे आर्टिस्ट आए, सुखी पाजी आए एंड कैलाश सर आए उसके बाद। तो सूफी म्यूजिक और फोक म्यूजिक आज के दौर में, आज के जमाने में इतना इम्पोर्टेंट है जो 90s और 80s में इतना नहीं था जब हमारा बॉलीवुड म्यूजिक। सो आई एम रियली ग्लैड कि हम
इस बड़े होते होते इस दौर ऑफ म्यूजिक में आए जहां पर ऐसे म्यूजिक को आज लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ नुसरत साहब का सुना के दिखाओ हमको प्लीज, वी लव टू हियर इट। जानिया हानिया तू भी सीख के दे दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। आई लव इट मैन। एंड आई रिमेम्बर मैं शायद एक टीनेजर था जब ये इसका एक रीमेक कह सकते हो या द मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस नुसरत साहब ने रिलीज किया था। एंड इट वाज सच हाँ एन अमेजिंग सॉन्ग यार वो। आई स्टिल रिमेम्बर उस जमाने में ये चीज। जब टीवी पे जब वो गाना देखा तब यार लोग बोला क्या बात। यही नहीं उन्होंने काफी सारे तब वैसे ही थोड़ा मॉडर्नाइज करके उनके ये गाने रिलीज किए थे ना, विच वॉज द अदर सॉन्ग जो उन्होंने रिलीज किया था बहुत एमटीवी सारे पे, गाने हैं। सॉरी एमटीवी पे हमेशा बजता था ये एक था। और एक उनका जो बहुत ही फेमस यार प्यारे मेरे प्यारे 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 थारे बिना लगना ही मारा जी हारे, ओ थारे बिना लगना ही मारा जी हारे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगना ही मारा जी हारे, ओ थारे बिना लगना ही मारा जी हारे। क्या बात है तो ये भी एक फैंटास्टिक। राजस्थानी अंग का गाना है और ये भाई बहुत भड़क रहे हैं। मनकरण भाई रिस्पॉन्ड दे दिया आपको, गुस्सा मत हो, आ गए हम तो, हम लोग बात कर रहे हैं, बातें सुनिए। हाँ तो ये जैसे पाकिस्तान का म्यूजिक भी राजस्थान और रूट्स उनकी पंजाबी और राजस्थानी बहुत ज्यादा है, तो बहुत अमेजिंग वहां से फोक निकल के आता है। और वही एक ही फोक है हम सबका, वो तो अलग है कि बॉर्डर की वजह से सब अलग अलग हो गए, लेकिन फोक जो हमारा है वो सबका एक ही है। एंड बहुत ज्यादा रिच है हमारा फोक और हमारा जो सूफी म्यूजिक। तो ऐसे आर्टिस्ट इन लोग आके अगर उन्होंने उस टाइम पे ऐसे गाने बनाए जो आज भी मैं शो में प्यारे गाता हूँ, कितना सोना गाता हूँ, आज भी मैं यार यार कहना गाता हूँ, मैं इतने सारे गाने जो मैंने एक शो बनाया है सूफी नामा जिसमें मैं यही सारे गाने गाता हूँ नुसरत साहब को और भी सूफी बॉलीवुड के गाने और बॉलीवुड के बाहर के गाने, तो उसका एक मैंने शो बनाया है जो मैंने BMP में परफॉर्म किया था। आई तो रिमेम्बर दैट एंड दैट वाज ब्यूटीफुल यार। इनफैक्ट अच्छा मुझे एक बता, बॉलीवुड का कोई एक सूफी गाना जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, किसी ने किसी और ने गाया होगा तो भी चलेगा, कुछ सुनाओ ना हमें। बॉलीवुड के सूफी में ज्यादातर वो लड़की के पर्सपेक्टिव से ज्यादा होता था। तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड सॉरी सूफी जो था वो कनेक्शन टू द लॉर्ड होता है। तो पिया हाजी अली है जो एक बहुत ही प्योर गाना है, एंड ख्वाजा मेरे ख्वाजा जो सबसे ज्यादा प्योर मेरा फेवरेट, मतलब जिसको मैंने लाइफ में लूप में अगर कोई गाना सुना होगा तो वो यही है। एंड आई थिंक उससे बड़ा उससे अच्छा प्योर सूफी गाना मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में बना। तो दो लाइन में उसका मैं गाना चाहता, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहू का शातू अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहू का शातू अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा में समा जा, बेकसूखी तकदीर तूने सवारी, ओ बेकसूखी तकदीर तूने सवारी। वाह एक ऐसा गाना जो दो जन मिलके गा रहे हैं, उसको आलाप और कैसे एक दूसरे के अंदर घुसते थे और कितना
सूदिंग वो गाना था। मैंने ये ब्यूटीफुल गाना लाइफ में इतनी बार सुना कि मुझे हमेशा काम कर देता था, मतलब एक होता ना आपके अंदर एक ठहराव लेकर आता वैसे। वेरी नाइस वेरी नाइस यार। इससे ना मुझको याद आ गई मेरे रेडियो के समय की, बिफोर आई स्टार्टेड दी एमजे शो, जिसको अभी 7 साल होने आए हैं, अगस्त में 7 साल हो जाएंगे। उसके पहले मैं 8 साल रेडियो करता था, तो मोस्टली मेरा म्यूजिक जो होता था, जब मैं पहली जब शुरुआत की तब मैं इंग्लिश म्यूजिक बजाता था और एफएम रेनबो पर। मेरा शाम के समय का एक शो होता था जिसमें 1 घंटा मैं हिंदी म्यूजिक बजाता था। तो मैंने एक रूल बना लिया था मेरे लिए कि यार इस समय में मैं बॉलीवुड गाने नहीं बजाऊंगा, मैं सिर्फ नॉन बॉलीवुड गाने ही बजाऊंगा एंड आई सपोर्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस या पॉप म्यूजिशियंस जो अपने गाने रिलीज कर रहे हैं। तो तब सोनी म्यूजिक ने एक एल्बम रिलीज किया था, एक कंपाइलेशन एल्बम कॉल्ड तेरी दीवानी, जिसमें हाँ के गाने थे, रूप कुमार राठौड़ के गाने थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। एंड मैंने वो एल्बम इतना बजाया था, उसके इतने सारे गाने बजाए थे। उसमें से याद आया, अभी किसी ने यहाँ पे कमेंट लिखा था, उससे मेरे को याद आया, रूप रूप जी का गाना था ना सावरे, सावरे नहीं, नुसरत साहब का है वो। सावरे नहीं कौन सा वाला? सावरे साव, वो नुसरत वाला साहब का है क्या? रूप जी ने नहीं नहीं भी नहीं गाया। मुझे सावरे मुझे पता नहीं है। सावरे हाँ सावरे जलू तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ना। सावरे तोरे बिन जिया जाए ना, वाह, मतलब अभी नुसरत याद साहब आया। वो ने इतने मैं कह रहा, खतरनाक गाने। कहा सॉरी कौन सॉरी, सा वो गाना थे, बोले था? नहीं, मैं कह रहा था उसका ऑफिशियल नाम था तेरी जुस्तजू, आई थिंक। जो अच्छा। हाँ, बट उसमें आई थिंक द मेन वर्ड वाज सावरे एज वेल, तो ओके इसीलिए ओके, मुझको यहाँ वो गाना याद है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने लिखा था तो आई ऑब्वियसली कंफ्यूज, यू वर थिंकिंग ऑफ पे द, लिखा है किसी ने, सारंग गायकवाड़ ने, तेरी जुस्तजू एल्बम का नाम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो गाना, जब वो गाना था, फिर अच्छा कैलाश कैलाश खेर के कौन से कोई गाने हैं जो तुम स्टेज पे गाते हो? ऑफकोर्स तेरी दीवानी तो मतलब आपको पता ही है कि जब वो आया था तो हर रियलिटी शो में तेरी दीवानी मतलब जजेस दीवाने हो गए थे गाना सुन सुन के। हर कोई बिल्कुल आता था और वही गाना गाता था। एंड बट उसी एल्बम में और भी बहुत सारे ऐसे गाने थे। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उड़ती फिरूँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उड़ती फिरूँ, कैसे मैं कहूं के मुझे इश्क हुआ है, लोगों से सुना है तुझे इश्क हुआ है, धरती पे आजकल पाँव ना धरूं, धरती पे आजकल पाँव ना धरूं, कैसे मैं कहूं के मुझे इश्क हुआ है, लोगों से सुना है मुझे इश्क हुआ है। ये गाना मुझे इतना पसंद था, इसकी अरेंजमेंट भी इतनी प्यारी थी। एंड ऑफ कोर्स सैया, जो एक बहुत ही सूदिंग गाना कैलाश सर ने बनाया था, एंड वो गाना भी मुझे बहुत पसंद। तो वो एल्बम वो एक्चुअली 90s के दौर में जो ये गाने आए थे, जो पॉप म्यूजिक आया था, उससे काफी इंस्पायर मेरे जनरेशन के, जो अपनी जनरेशन के सिंगर्स हैं वो लोग हुए थे। बिकॉज बिल्कुल ऑब्वियसली बॉलीवुड में तो वही 70 mm तुझे देखा तो ये जाना सनम और ये सब चल रहा था, बट जो 90s का पॉप म्यूजिक था उससे काफी सारे सिंगर्स इंस्पायर हुए और उन्होंने वो गाना गाना शुरू किया। एंड वो उस टाइप का म्यूजिक करना शुरू किया, पुरानी जीन्स, और शान सर का एल्बम था, सोनू ब्याह के एल्बम थे याद, वो बहुत कमाल के गाने उस टाइम पे बने थे। एंड एंड ऑफ कोर्स अल्लाह के बंदे, जिस गाने से कैलाश सर का एक रात में ऐसा नाम हुआ था, और वो मुझे याद है वो गाना मैंने कॉलेज में पहली बार गाया था और इतना बड़ा हिट गाना था कि लोगों ने आके मुझसे पूछा कि सर ये गाना आपने गाया? मैंने कहा नहीं, ये मैंने नहीं गाया, ये तो और सिंगर है। बिकॉज उस टाइम तो आवाज मेरी और पतली थी और मैं छोटा था कॉलेज में, तो मतलब मेरी आवाज वैसे ही थोड़ी साउंड करती थी, और मैं हमेशा कोशिश करता था जिसका गाना है मैं उसका थोड़ा सा एक एक यू नो थोड़ा सा इनेक्ट करके गाऊं, तो मुझे अच्छा लगता था वो गाना। जैसे टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर जुड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, खाक
ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे, हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अच्छा बाय द वे, सब लोग जो लेट आए हो, डीके की दीवानी आपकी दीवानी है यहाँ पे, हिमांशु झा, ये जो मुझे भी पता है, कोई ना कोई पार्टी है, मेरे घर एक का बंदा है, मेरे ऑलरेडी दोस्त, लाल शॉर्ट, सॉरी कोई मेरे घर का ही है या कोई दोस्त है मेरा जिसने ये फालतू अकाउंट बनाया और डीके की दीवानी। ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ है मेरे साथ, तो ये कोई ऐसा ही मुझे पता चलेगा तो कौन है ये बाद में। पर हाँ नहीं, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, बन्ना की बातें हमने शुरुआत में ही की थी, तो ये वीडियो जो है अभी थोड़ी देर में मेरे IGTV पे आ जाएगा, तो वहां पे भी देख सकते हो, और कल YouTube पे आएगा ऑन दी एमजे शो YouTube चैनल, तो अभी जाके सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबा दो, ताकि जब ये वीडियो आ जाए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आप सुकून से देख सकोगे, और लोगों के साथ शेयर करो, इसके नीचे कमेंट करो, लाइक करो, सब सब कुछ करो, मेरे चैनल के साथ भी, और मोर इम्पोर्टेंटली दिव्य कुमार के चैनल के साथ भी, तो अभी जाओ दिव्य कुमार के चैनल पे, बनना तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जाओ सुनो शेयर करो, और अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके ही जाना वहां से, बिल्कुल ऐसे यार हाँ देख लिया चलो बाद में वापस आ जाऊंगा वैसे मत करना, अगर अच्छा लगे तो इमीडिएटली जाके कुछ तो लिखो, नाइसली डन, वी लव्ड इट, वी लव यू, नहीं तुम्हारी दीवानी, जो लिखना है लिखो, डीके की दीवानी, तुम जाके वहां पे बोलो कि कितनी दीवानी हो तुम डीके की, जो वहां पे बिल्कुल बोल देना, ठीक है। पर अभी वापस आते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन पे, तो अगर फिल्मों में ये, जैसे तुमने कहा आजकल काफी सारे अच्छे अच्छे गाने आने लगे हैं, आई थिंक वन ऑफ द पीपल दैट यू मेंशन, वन ऑफ द थ्री पीपल दैट यू सेड यू वुड लव टू कोलैबोरेट विद, रेखा जी, और इनफैक्ट विशाल भारद्वाज, उनका जो म्यूजिक है, इट्स इन दिस स्पेस दैट यू सीम टू लव वेरी वेरी मच, उनका कोई ऐसा गाना है विशाल जी का, या इवन रेखा जी ने गाया हुआ कोई गाना जो तुम्हें बहुत पसंद है? बहुत सारे गाने आए। इनफैक्ट मुझे मौका मिला था मैं उनके साथ में परफॉर्म कर पाऊँ, तो जितने मेरे फेवरेट गाने थे उनके, वो मैंने मुझे अचानक मुझे एक मौका मिल गया कि विशाल सर के शो में मैं ये सारे गाने गा रहा हूँ। बीट आओ ना फ्रॉम हैदर, और दिल तो बच्चा है जी, तो इतने खतरनाक गाने उनके, इतने प्यारे गाने, और एक अलग ही उनका विशाल भारद्वाज जैसे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, AR रहमान सर, अमित त्रिवेदी है, विशाल भारद्वाज, जिनके म्यूजिक को सुनकर आप पता चल जाता है कि हाँ ये वो आदमी। तो ऐसे ही गाने विशाल सर के भी हैं, एंड बहुत सारे फेवरेट गाने मेरे, बट आप समझ में नहीं आ रहे। एक तो बहुत बचपन की मेमोरी है, जब चप्पा चप्पा चरखा चले आया था तब हम उसको शोज में गाते थे जब मैं कल्याण जी आनंद जी के साथ परफॉर्म करता था, तो उनके शो में ये गाना हम लोग गाते थे 3 जन मिलके। हाँ तुम भी लिटिल वंडर्स में थे, क्या जी बिल्कुल, वहीं से शुरुआत हुई बात, थी। क्या आकृति, तुम कितने सारे लिटिल वंडर्स के सिंगर्स अभी एमजे शो पे आ रहे हैं यार, ये बहुत ही अच्छा है कि वहां से तुमने, इवन जावेद भाई, सुनिधि दीदी, श्रेया जी, आदित्य नारायण, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां से आए। या तो उसमें हम लोग गाते थे चप्पा चप्पा चरखा चले। एंड अगर विशाल जी का एक गाना जो हम सबको बचपन से लेके अभी तक याद है, तो वो होगा मोगली का टाइटल सॉन्ग। वो सुना और दो मुझे यार, याद थोड़ा है सा सुना दो प्लीज प्लीज प्लीज। NH7 वीकेंडर पे पब्लिक ने चिल्ला चिल्ला कर उनसे वो गाना गवाया, और हमने वो गाना गाया था वहां पे जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो इतना मजा आता, और यू शुड हैव सीन वो लोग जो गा रहे थे वहां पे, एंड इट वाज अमेजिंग सीन। बट यस, एक गाना जो बहुत मेरा फेवरेट है और जो राज साहब ने बहुत अच्छा गाया, दिल तो बच्चा है जी, उसकी 2 लाइन में आपको सुना। प्लीज ऐसे उलझी नजरों से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोरी कटती नहीं, ऐसी उलझी नजरों से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोरी कटती नहीं, उम्र कब की बारिश के सूफ़ेद हो गई,
बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, लहरे के रंग उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। थैंक यू। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल भाई। और एक जिसका नाम लिया था तुमने, आई आई नो दैट ऑन ऑन आई थिंक बीएनबी का स्टेज था जहां पे तुम गा रहे थे, एंड कहाँ पे था? आई थिंक अरिजीत सिंह परफॉर्म्ड विथ यस यू यस बीएमपी बीएमपी बीएमपी। बीएनबी में ना, एंड ही वाज प्रीटी मच हाँ इनकॉग्निटो, वही था ना वो, मैम याद यस बराबर वहां पे किसी को मालूम नहीं था कि ही इज ऑन स्टेज, वो तुम्हारे साथ ही था ना? यस एक रात पहले ही जस्ट यू नो जंप्ड इनटू विशाल सर सेट एंड सनी एमआर उनके सेट में भी ही वाज प्लेइंग गिटार। सो वो एंजॉय करने आया था। आई थिंक उस दिन बहुत सारे लोगों को सीखने मिला होगा कि आर्टिस्ट यू नो म्यूजिक से बड़ा नहीं होता। उस दिन मैंने स्टेज पर भी ये बोला था कि म्यूजिक जहाँ पर होता है वो अच्छा अच्छा आर्टिस्ट वहाँ पे पहुंच जाता है। एंड अरिजीत सिंह प्रूव दैट उस दिन कि वो हर स्टेज पर जाके यू नो किसी ना किसी के साथ में जाके कुछ ना कुछ यू नो बजा रहा है। इज जस्ट देयर टू यू नो फॉर द म्यूजिक। तो ऐसा ही मुझे रात को पता चला कि यू नो ही वॉन्ट्स टू बी ऑन द स्टेज विद मी। तो मुझे सुन के पहले तो मेरे को यू नो यकीन नहीं हुआ ये चीज़ कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं। एंड देन द मैनेजमेंट गॉट इन टच और उन्होंने बात की है, और मुझे पता था कि मुझे उस चीज को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हमने सोचा था कि सिर्फ लेट्स उसको सरप्राइज रखते हैं। और मुझे पता था कि ये ऐसा ही रखना है, बिकॉज अगर मैं पहले ही आके बोल दूंगा अरिजीत सिंह आया स्टेज पे तो वो उसका कुछ मजा नहीं है। जस्ट कि मैंने कुछ गाने मेरे गाए, उसके बाद में ही वॉज प्लेइंग द सॉन्ग्स, ही लर्न द सॉन्ग्स, उन्होंने वो चार्ट्स तैयार किए थे एंड ही प्लेड कॉर्ड्स, ही प्लेड गिटार्स ऑन दैट। उसके बाद में वे यू नो आई इंट्रोड्यूस्ड द सॉन्ग चूनर, उन्होंने ही बोला था सुबह कि अपन चूनर गाते हैं साथ में। मतलब ओके आई मतलब मेरे लिए उससे बड़ी बात हो नहीं सकती, बिकॉज मेरी मॉम और वो सब आए थे वहाँ पर शो देखने के लिए। तो अगर मैं ये गाना स्टेज पर परफॉर्म करूँगा, एंड बीएमपी का आपको पता है रात शाम को एनर्जी इतनी हाई होती है, तो उसमें चूनर ने जो रिस्पॉन्स लिया था उस दिन वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डिवाइन एक्सपीरियंस था, बिकॉज ही बीइंग देयर ऑन स्टेज और मेरे साथ गा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अनरियल था। एंड बिकॉज मैं उनको इतना पसंद करता हूँ एज एन आर्टिस्ट एज ए सिंगर, कि जो गाने उन्होंने बॉलीवुड में गाए उसके अलावा जो उनको नॉलेज है म्यूजिक की, जो क्लासिकल की नॉलेज है, जिस तरीके की गजलें वो गाते हैं, सो इट्स लाइक मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। हर एक सिंगर के लाइफ में ऐसा एक टाइम आना चाहिए जहाँ पर ऐसी उसकी एक एक्सपीरियंस हो और वो उसको महसूस कर सके। तो मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। फैंटास्टिक यार, थोड़ा एंड सुना दो ना, सुनार श्योर थोड़ा। जीना जीना रे उड़ा भुला माई तेरी चूनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा भुला माई तेरी चूनरिया लहराए, रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी रीत का माई तेरी चूनरिया लहराए, जब जब मुझे पे उठा सवार माई तेरी चूनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा भुला माई तेरी चूनरिया लहराई। वाह, तुझे बहुत 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 अच्छा लगा। बाय द वे, इतना प्यारा निखिल गाना राव था। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनको हाय कह रहा हूं मैं। इज द गिटार प्लेयर ऑफ इंडियन ओशन, वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटार प्लेयर्स ऑफ आर कंट्री, हेलो सर, हाय, हाउ आर यू। निखिल है हमारे साथ। अच्छा, तुमने गिटार की बात की और अरिजीत सिंह की बात की, तो मैं एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी तुमको बताना चाहता हूँ। 2015 में जब जीमा अवार्ड्स हुए थे, तो मैंने तुमको ये जो एल्बम दिखाया था, माय हाँ एल्बम वन द जीमा अवार्ड फॉर बेस्ट रॉक एल्बम, और मेरे वाह नहीं, जब मैं स्टेज पे गया, मेरे पहले ही अरिजीत सिंह को कुछ एक जीमा अवार्ड मिला था। तो अवार्ड मिलने के बाद वो हमें पीछे के एक रूम में लेके जा रहे थे कुछ एक फोटो सेशन करने के लिए, तो हाँ वो
वापस आ रहे थे और मैं उस रूम की तरफ जा रहा था, और उस रात में सिर्फ बेस्ट रॉक एल्बम के लिए एक गिटार भी दी गई थी। तो एहसान सर आए थे वहां पे और एहसान ने मुझे गिटार दी थी, उनकी सिग्नेचर सीरीज, एक फेंडर गोल्ड कलर की गिटार। तो दिखने में तो बहुत वाह ही इंप्रेसिव लुकिंग गिटार थी। तो मैं मेरे हाथ में वो गिटार और अवार्ड लेके बैक स्टेज जा रहा था वो फोटो सेशन कराने, और वहां से सामने से अरिजीत सिंह आ रहे थे। आई नेवर मेट हिम बिफोर, आई मीन आई बीन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं मोस्टली सब सिंगर्स को मिला हूँ, मगर तुम तो जानते हो अरिजीत सिंह इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, वो सब हाँ यस मिल यस सकता यस है। ही वन पर्सन बिल्कुल जिसको मैंने कभी मेरे शो पे भी लाया नहीं है, एंड आई वुड लव टू हैव हिम। तो यू नो आई नेवर मेट हिम एंड वी वर जस्ट पासिंग ईच अदर, तो मैंने आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड आई सेड हे मैन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग योर अवार्ड, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही टोल्ड मी कि हाँ मैंने देखा यू ऑल्सो वन दी अवार्ड एंड आई एम वेरी जेलस ऑफ यू। बोला क्या बात है यार, अरिजीत सिंह कह रहा है ही इज जेलस ऑफ मी। मैंने बोला हमको तो सिर्फ अवार्ड मिला है, तुमको वो गिटार मिला, आई वुड हैव लव टू विन द गिटार टू। मैंने बोला क्या बात है यार, ये एक ऐसा आदमी है जो दुनिया के किसी भी गिटार शॉप में जाके कोई भी गिटार खरीद के आ सकता है, बिल्कुल वो मुझको बोल रहा है कि आई एम जेलस ऑफ द फैक्ट दैट यू वॉन अ गिटार फ्रॉम एहसान एहसान सर टूडे। मैंने ये गिटार उनके मतलब उनके पास कलेक्शन है गिटार्स का, और करेक्ट रियली फॉन्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वो उस दिन भी जब बीएमपी में जब हम सुबह रिहर्स कर रहे थे, ही वाज टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, ही वाज टॉकिंग अबाउट कीबोर्ड्स, ही वाज टॉकिंग अबाउट कौन सा मीडी कीबोर्ड अभी मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सा सिंथ कीबोर्ड मैंने लिया है, मैं क्या काम कर करेक्ट रहा हूँ, मैं घुसा हुआ हूँ, मैं अभी ये साउंड देख रहा हूँ। तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब 1% जितना वो म्यूजिक के अंदर ऑलरेडी है। तो जितने भी करेक्ट आर्टिस्ट सोचते हैं, जो नए आर्टिस्ट है कि मुझे अरिजीत सिंह बनना है, अरिजीत सिंह जैसा गाना है, पहले तो आप ये देखो कि उस आदमी की अंदर जो ब्रेन में है वो क्या है। उसके करेक्ट बाद वो छोटे छोटे ऐसे ही गाते चला जाता होगा, मुझे तो नहीं लगता कि उनके लिए कुछ भी एफर्ट होता होगा, बिकॉज वो इतना अंदर उनके ब्रेन में इतना सब कुछ सीखा हुआ है उन्होंने कि अगर वो एक लाइन गा दें तो आई थिंक हर लाइन जितनी बार भी वो टेक दें वो हर टेक फाइनल जैसा ही लगेगा। तो वो नॉलेज होना इतना इम्पोर्टेंट है कि जो बिल्कुल लोग सोचते हैं कि आज हम अच्छी आवाज में थोड़ा सा हस्की करके सिगरेट पी के आवाज में थोड़ा ग्रेन्स भर दे और गाना शुरू कर दे तो वो अरिजीत जैसा साउंड करेगी, बट अरिजीत सिंह एक बना है तो वो एक ही बनेगा। आप अपना एक पहला आदमी बन के दिखाइए। अगर मैं दिव्या हूं तो मैं पहला दिव्या बनना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू बी अरिजीत सिंह बिकॉज वो एक ही। क्या सो बात है, जितने भी नए लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपनी ओरिजिनलिटी को ऊपर काम करें, बिकॉज अरिजीत सिंह ने बहुत काम किया अपनी लाइफ में। एंड और जो अरिजीत सिंह एक नॉलेज, ही होने वाला है। हाँ एक ही है सर, अभी मेरे को नहीं लगता आगे आने वाले टाइम में हमको ऐसा सिंगर मिलने वाला है जो हर तरीके का गाना गाता है। आप उसको उसको बांध के नहीं रख सकते, वो अलग बात है कि हमारी इंडस्ट्री ने उसको एक टिपिकल एक जॉनर के अंदर उसको बांध के रखा है, बट उसमें भी ऐसे म्यूजिक कंपोजर्स हैं अमित त्रिवेदी हैं जो उनको एक अलग टाइप के गाने गवाते हैं। संजय करेक्ट लीला भंसाली सर है जिन्होंने क्लासिकल बेस और जिसने अरेबिक टाइप का एक गाना, जिसमें जिन्होंने ऐसी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स उनके साथ किए। तो मुझे लगता है कि एक राइट कंपोजर राइट सिंगर जब मिलते हैं तो वो अलग ही तरीके का गाना बनाते हैं। तो और बाकी जो चल रहा है पैथोस जो चल रहा है लाइफ में वो तो चल ही रहा है सर, वो तो पूरी दुनिया कर रही है। बिल्कुल यार, बट यू नो जस्ट मेड मी रियलाइज हाउ जेन्युइनली हम्बल एंड ग्राउंडेड ही वॉज। जैसे मैंने व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि यू नो इतना जो प्यार है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और सोच के कि यार ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि चलो है तो अल्टीमेटली गिटार, पर गिटार जो एहसान ने दिया, तो फॉर मी दैट वॉज सच अ स्पेशल मोमेंट, यू नो कि यार पहली बार आई मेट सिंह एंड ही सेड समथिंग लाइक दैट टू मी, इट वॉज रियली रियली स्पेशल। बहुत मजा आया था उस दिन, एंड बिल्कुल बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कभी आई नेवर मेट हिम अगेन, बट आई वुड लव टू मीट अप विद हिम जस्ट टू सिट एंड लिसन टू हिज म्यूजिक यार, या जस्ट टू लिसन टू हिम जैम एट होम और वट एवर, नॉट रियली इंटरव्यू इंटरव्यू की जस्ट भी टू आखिरी लिसन नहीं टू है। हिम टॉक अबाउट म्यूजिक, मतलब वो म्यूजिक के या बारे में कुछ भी बात करें वो सुनने में ही बहुत मजा आता है। एंड यू फील के एक आदमी जो आप ही के हम उम्र का ही है, मतलब इज नॉट दैट एज्ड, एंड उसके अंदर इतनी सारी बातें हैं म्यूजिक, इज थ्राइव टू लर्न, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। मैंने ये भी सुना है कि जब वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, ही वाज वर्किंग फॉर प्रीतम दा, एंड कोई भी ऑडिटोरियम में कुछ भी शो चल रहा होता था, क्लासिकल चल रहा होता था, वो अंदर जाके बैठ जाते थे एंड यू शुड जस्ट लिसन टू म्यूजिक। तो इतना डेडिकेशन अगर आदमी के पास है तो जो उनको मिला है वो एक एक पैसा वो डिजर्व करते हैं, एक एक सेकंड वो फेम वो नाम का वो डिजर्व करते हैं।
ऐसा मुझे लगता है। कंप्लीटली अग्री। बाय द वे आई जस्ट रियलाइज बात करते करते ऑलमोस्ट एक घंटा होने को आया, तो बिफोर इंस्टाग्राम कट्स ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, नहीं नहीं धक्के नहीं मारेगा, मगर इंस्टाग्राम बोलेगा कि भाई अभी तुम्हारे पास 30 सेकंड बाकी, तो उसके पहले संखदीप मुदली ने पूछा है प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स ऑन हिज व्यू अबाउट बेनी दयाल एंड हिज एक्सपीरियंस ऑफ शेयरिंग द स्टेज विद बेनी। इनफैक्ट बेनी दयाल अभी थोड़े दिन पहले ही शो पे मेरे आए थे एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज म्यूजिक एंड हिज जर्नी। सो व्हाट डिड यू फील अबाउट शेयरिंग द स्टेज विद बेनी? बेनी दयाल एक ऐसा आर्टिस्ट है जो यू नो हमारे हमारे देश में एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट वाले जो वाइब है वो बेनी के अंदर है। फीमेल में नो डाउट मैं आपको अभी भी बोल सकता हूँ लाइक फॉर कमिंग 10 ईयर्स देयर इज नो सुनिधि चौहान इन आर इंडस्ट्री जो परफॉर्म कर सके, जो ऐसा गा सके, गाते हुए ऐसा डांस कर सके, वो हमारे इंडस्ट्री में नहीं आ सकता अभी। एंड इन इन मेल आर्टिस्ट अगर आप बोलें तो बेनी दयाल एक ऐसा आर्टिस्ट है, इज सो एनर्जेटिक। अगर आप एनर्जी की बात करो, आप डांस की बात करो, आप उसके बैंड की बात करो, इट्स सो मच सिंक्रोनाइज, कितना मतलब यू नो इट्स वन ऑफ द टाइटेस्ट बैंड आई हैव एवर हर्ड। और बेनी अगेन इज अ गेम ऑफ अ पर्सन, इतना प्यारा आदमी है और इतना कूल बंदा है, जो स्टाइल उसने अपना बनाया है वो मतलब वो उसी के ऊपर सूट कर सकता है। एंड और हमको मौका मिला था, क्लिंटन सिरेजो ने हमको एक गाना गवाया था फिल्म टीम में, एक बहुत ही प्यारा गाना था और मेरा और बेनी का डुएट था वो। एंड मैं ये सोच रहा था कि मैं और बेनी डुएट गाएंगे, मतलब ऐसा कौन सा गाना होगा कि जिसमें यू नो बेनी भी गाएगा और मैं भी गाऊँ। बट वो गाना अगर आप सुनोगे फिल्म टीम से था, इट्स सच अ वंडरफुल सॉन्ग, इतना प्यारा कंपोजिशन है। एंड यस एंड देन स्टेज पर हमने काफी बार यू नो परफॉर्म किया है, यू नो साथ में आई डोंट थिंक हमने कभी साथ में परफॉर्म किया है, बट यस बीएमपी में एक ही स्टेज पर हमने परफॉर्म किया है। सो एक अलग ही एनर्जी है उस बंदे के अंदर। एंड व्हाट एवर ही इज डूइंग विथ हिज म्यूजिक, जो उन्होंने उनके भी मतलब उनका जो फोक म्यूजिक है, उनका जो कर्नाटिक म्यूजिक है, या जो भी साउथ में जो भी वो गाने बना के या अपनी तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स द सॉन्ग, दैट्स द वाइब जो हम लोग भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो जिन्होंने अपने रूट्स में जाके वापस म्यूजिक ढूंढ के, बेसिक में जाके म्यूजिक ढूंढ कर लेकर आके अपने यू नो आज के जमाने की ऑडियंस के लिए बनाकर लेकर आ रहे बात। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। अभी अभी आपको पता है कि धरती भी रीबूट कर रही है, तो हमको भी हमारा म्यूजिक रीबूट करना चाहिए, कि बहुत रीमिक्स बज रहा है, बहुत सारी जगह पे रीमिक्स चल रहे थे तो अभी वो शांत हुआ है। सो इट्स टाइम टू रीबूट एंड यू नो वी हैव टू जस्ट जो गलतियां हुई वो माफ करके आगे बढ़ो। बात की है भाई, फैंटास्टिक। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंटली इन द लास्ट 1 month इटसेल्फ क्लिंटन, बेनी और तुम तीनों अभी साथ में इस शो पे आ चुके हो। क्लिंटन तो क्या यार, क्या दिमाग है इस बंदे का, क्या गाने बनाए। ऐसे म्यूजिशियंस के बारे में बात कर ही नहीं सकते, मतलब यू नीड टाइम कि आप कैसे, एक तो जितना आप उनसे मिले हो उतना ही आप उनको जानते हो। क्लिंटन सर को मैं जितनी बार में काम किया है उतनी बार मिला है, उतना मैंने उनके साथ परफॉर्म भी किया है शोज पे, 2 बार मुझे मौका मिला था, और ऐसे ऐसे गाने मैंने गाए जो मतलब घबराहट मचती है कि ये कैसे मैं इसको पुल अप कर पाऊंगा। बट ही सच अ नाइस पर्सन, सच अ नाइस ह्यूमन बी, और किस लेवल का म्यूजिशियन है वो, मतलब सबसे पहले एक अच्छा म्यूजिशियन बनना कितना इम्पोर्टेंट है, वो ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है। चलो तो अभी आज रैप अप करने के पहले तुम्हारे सारे जो फैंस है उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज बस यही है कि हम अच्छा म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक में हम कदम रख चुके हैं आज, और कोशिश करेंगे कि और अच्छे अच्छे गाने आपके सामने पेश करें। तो भरोसा रखिए अच्छा म्यूजिक दुनिया में है जो आपके तक पहुंच नहीं पा रहा कहीं ना कहीं से, बट हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे। और ये राहत का सामान है हमारी तरफ से, जो म्यूजिक है जो हम आपकी तरफ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपने आजू बाजू सबका ध्यान रखिए। एंड थैंक यू एमजे फॉर हैविंग मी वंस अगेन, और आप हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, आप हमेशा हर चीज में आपने मुझे सपोर्ट किया है और अप्रिशिएट किया है, सो आई रियली अप्रिशिएट योर जेस्चर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एब्सोल्युटली अ प्लेजर मैन, बहुत अच्छा लगा, और वापस एक बार आना जब तुम्हारा नेक्स्ट गाना आ जाए या इस गाने का वीडियो आ जाए और भी बातें करेंगे। बट फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी।
तुम्हारी मम्मी जी को भी नमस्कार बोल देना वापस एक बार अगर रहे यहाँ पे, वो सच अ प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी के मम्मी पापा भी इंटरव्यू देखते हैं, या कोई बताता है कि यार मेरे मम्मी ने देखा, मेरे पापा ने देखा, उनको अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सुन के कि यार पेरेंट्स तक भी अपना ये अपनी ये जो बातें हैं, अपन इंटरव्यू है वो पहुंचता है। सो थैंक यू वेरी मच यस, टू एंड टू योर फ्रेंड्स एंड टू एवरीबडी फ्रॉम योर टीम। टेक थैंक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय। यू सर, थैंक यू, बाय। That's pretty much all the time we have with Divya Kumar. उसका गाना है जिसका नाम है बन्ना, जाके अब भी उसके YouTube चैनल पे देखो, सब्सक्राइब करो। MJ शो के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम, स्टे सेफ। टुमोरो इवनिंग एट 8 PM वी गॉट रागिनी टंडन, लैम्बर्गिनी जिसने गाया है उसके साथ, और भी बातें करेंगे। वी विल फाइंड आउट more to her life than Lamborghini, kya kya kiya hai. And at 9 PM here, one of my dearest friends is going to be back. She is going to be coming tomorrow. And kal bas gaane hai, gaana, usse maine gaana, gaana kaafi saare sunne hai, aur main shayad, main bhi kuch kal ga lunga. To kal ka 9 PM ka show to ek pura jam hone wala hai, bahut hi interesting hoga. Aishwarya Majmudar will be here with me tomorrow. So I will see you tomorrow at 8 PM. Take care of yourself, ladies and gentlemen. Thank you for being here with me. Good night and stay safe.